2000 लगा के इतनी सारी चीजें मिल रही है। ये वाली देखोगे तो 166,000 ऑन रोड मिलती है सिंगल डिस्क वाली। नई हीरो एक्सट्रीम 160R 4B नए कलर के साथ और नए अपडेट के साथ आ चुकी है। ये है भाई अपना नया लेटेस्ट, भाई बोल सकते हो अपग्रेडेड वाला एक्सट्रीम 160R 4B। इस वीडियो में भाई बात करेंगे हम इस नई एक्सट्रीम 160R का कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड और इसमें क्या क्या बदलाव हुई वो सारी चीज़ें बात करेंगे। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मनीष, स्वागत है आप सभी को एक और शानदार सी वीडियो में। सबसे पहले भाई बात करते हैं इसकी अपडेट की, तो इसमें करीब 9 से 10 अपडेट आपको मेजर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। जो अभी पहला अगर बात करोगे अपडेट की, तो इसका भाई मॉडल एंड डिज़ाइन फुल्ली चेंज हो चुका है और ग्राफिक की बात करें फुल्ली ग्राफिक चेंज हो चुका है। आप कहीं से भी देखोगे तो एकदम लगे कि भाई एकदम नई तगड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। आप रियर से बात करो, पीछे से बात करो, मतलब हर जगह से ये बदली हुई नजर आएगी। सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले भाई इसका प्राइस भी चेंज हो चुका है, वो अभी वीडियो को बीच में बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसकी जो मेजर अपडेट की, तो यहाँ पे अभी वो फुल्ली डिजाइन चेंज हो चुका है। ठीक, इसमें भाई डुअल चैनल ABS आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गई है। यहाँ पे आप दिखाओ, ये आपको देखने को मिल जाएगा डुअल चैनल ABS। तो भाई अब ब्रेकिंग भी आपको काफी शानदार देखने को मिल जाएगी, आप इसको कहीं पे भी लेके जाओगे एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ब्रेकिंग के हिसाब से। और ये इसका जो सीटिंग देखोगे भाई, सीटिंग फुल्ली चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखो ये अपना धागे टाइप का आपको यहाँ पे सिलाई देखने मिल जाएगा, एक्सट्रीम 160R देखने मिल जाएगा। जो स्प्लिट सीट आती थी वो भी बदल चुका है। अगर इसके जो नीचे बात करें ये भी बदल चुका है, बहुत सारी बदलाव हुई है। अब क्या करते हैं भाई, बात करते हैं फ्रंट से आपको सारी चीज़ें डिटेल करता हूँ। ये है भाई सामने का लुक, देख सकते हो काफ़ी अच्छी लुक के साथ। अभी यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा नजर आया होगा कि इसमें चेंज हो चुका है। क्या चेंज हुआ बात करते हैं। लाइट वाइट आप देखोगे सेम लाइट आपको मिल जाएगी, LED लाइट अभी भी मिल रही, लेकिन इसका जो यहाँ पे वाइजर देखोगे कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर वाली फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी, जो रियल फिनिश आपको देखने को मिलती है। यहाँ से दिखाओ भाई, एक आती है भाई स्ट्रेचिंग ऐसे नंबर ऐसे नॉर्मल पे आती है, ये एकदम रियल वाली फिनिश आ रही है। तो ये अच्छा बदलाव हुआ है यहाँ पे। बाकी सेम लाइट आपको देखने मिल जाएगी, हीरो का लोगो, नंबर प्लेट सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे LED इंडिकेटर पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है इस तरीके से काफ़ी अच्छे लुक के साथ। जो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको टायर मल्टीलेयर देखोगे, तो यहाँ पे भी आपको नए कलर के साथ आ चुकी है। ये अपना फाइबर मैट फिनिश के साथ आ गई है। यहाँ पे आप देखोगे ये अपना ब्लैक वाली फिनिश के साथ आ गई। ये आप देख पाओगे डुअल चैनल ABS जैसा मैं बता रहा था। तो इसमें आपको 276mm का बड़ी सी डिस्क मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा आपको ब्रेकिंग मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे कैलिपर पे कोई ब्रांडिंग नहीं की गई है, बट अगर हमको टेस्ट राइड का मौका मिलता है फिर आपको मतलब बताऊंगा कि इसका टेस्ट राइड और इसका ब्रेकिंग कैसा आपको देखने को मिलता है। बाकी टायर साइज की बात करते हैं तो 180/17 का आपको टायर मिल जाएगा। और इसके व्हील पे देखोगे भाई इस तरीके से स्ट्रेचिंग की गई है, मतलब स्ट्रेचिंग कह रहा हूँ स्टिकर की गई है। 160R का आपको बैच भी देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको रेडियल टायर मिलता है भाई, तो ये भी आपको बेहतरीन आपको टायर क्वालिटी आपको देखने मिल जाती है इस तरीके से। सामने से इसका टायर आप देख पाओगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसका व्हील की डिजाइन देख सकते हो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे कर्वी टाइप का डिजाइन दिया गया। इसका इसका लुक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा आपको देखने मिल जाता है। और ये अपना दिखाओ, तो ये देखो भाई इस तरीके से इसका भाई मिल जाएगा भाई गोल्डन अपसाइड डाउन फोर्क, 37mm का इसका सस्पेंशन मिल जाएगा फ्रंट का। ये अपना रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे KYB का आपको मिल जाएगा ये बैच, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप दिखाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ नया फील आएगा। यहाँ पे ये जो इसका इंजन गार्ड देखने मिल जाएगा, हालांकि ये फाइबर रही है, तो यहाँ पे वो 4B 4 वाल्व के साथ आ गई, स्टिकर बदल चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन सेंसर SIC आपको देखोगे, यहाँ पे सब कुछ किया गया। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें सेम वही 167mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक के साथ मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे ऑयल कूल्ड पहले भी आता था, और यहाँ पे आप इन्होंने बैच भी डाल दिया ऑयल कूलर करके, तो भाई एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है। और यहाँ पे आप दिखाओगे ये देखो भाई इसके हेड पे अभी आपको इसका कलरिंग आपको देखने मिल जाए, पहले आपको नहीं मिलता था। अब बात करोगे इसमें पावर की, तो आपको 15 BHP का पावर मिल जाएगा 8500 RPM पे। टॉर्क की बात करूँ 14 Nm का टॉर्क मिल जाएगा 6500 RPM पे। तो पावर फिगर के हिसाब से सेम है, इंजन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सेम इंजन आपको मिल रहा होगा। और यहाँ पे आप देखो ये इस तरीके से इसका इंजन आप देख पाओगे, प्रोग्राम्ड FI का बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो मेजर चेंज आप देखोगे यहाँ से इसका जो टैंक है, टैंक पर जो ग्राफिक है यहाँ पे आप दिखा दो भाई थोड़ा सा इस तरीके से। ये स्टिकर आप देखोगे चेन फुली 160 का बैच मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सट्रीम का आपको प्रीमियम लोगो 3D लोगो मिल जाएगा, हीरो का स्टिकर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। टैंक पे आपको कहीं ना कहीं अच्छा लुक आपको दिया गया है यहाँ पे, और वही सिर्फ आपको 12 लीटर का टैंक मिल जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका भाई पेट्रोल वेट्रोल डला हुआ है इस तरीके से।
तो 12 लीटर का टैंक मिल जाएगा। और हाँ, टैंक पे देखोगे तो यहाँ पे भी दिखाओ, भी यहाँ पे दिखाओ, ये आपका आगे से दिखाओ, यहाँ पे आपको देखोगे भाई तो इस तरीके से इसका भी यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कार्बन फाइबर टच आपको दिया गया, काफी अच्छी लुक के साथ यहाँ पे निकल रहा है। और एयर वेंट के टाइप का दिया गया, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी की आपको मुझे नजर आ रही है। P20 का सपोर्ट भी आपको इस बाइक के साथ देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो अच्छी खासी। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 50 तक का माइलेज मिल जाएगा, 12 लीटर का टैंक ऑफर किया गया। और ये है इसकी नॉर्मल सी की जो पहले आती थी, यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। फुली डिजिटल मीटर आपको देखने मिल जाएगा, डुअल चेन ABS, और यहाँ पे सारी स्टैंड, चेक इंजन लाइट, और ये RPM का, और न्यूट्रल गियर पोजीशन, टाइमिंग का, ओडोमीटर ये आप देख पाओ। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें इनके कंट्रोल दिए गए हैं, लो बीम हाई बीम के, और इंडिकेटर को बंद कर सकते हो। हॉर्न एक बार सुनाता हूँ, ये इसका सिंगल हॉर्न है, आप यहाँ पे देख पाओगे। क्लच कुछ इस तरीके से लाइट वेट आपको क्लच आपको मिलता है। बात करते हैं राइट साइड में, हजार्ड का बटन आपको डेडिकेटली देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इंजन किल स्विच, और यहाँ पे सेल्फ का बटन आपको ऑफर किया गया, ये आप देख पाओगे यहाँ से। और यहाँ पे ब्रेक के लिए आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे नीचे पे देखोगे तो यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाएगा, आप कहीं लंबी राइड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ पे इसको आप मोबाइल भी चार्ज कर पाओगे, एक अच्छा आपको मिल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसकी सीट की बात करता हूँ, क्योंकि सीट इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये पहले सिंगल सीट पे, पहले स्प्लिट सीट आती थी, अब सिंगल सीट में आने लगी है, और यहाँ पे 160R देखने को मिल जा रहा होगा। और यहाँ पे अगर मैं सीट कुशन की बात करूँ तो सीट कुशन सॉफ्ट लग रहा है, रियर पे भी सॉफ्ट लग रहा है, और यहाँ पे सीट मैंने बताया सीट कम्फर्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और यहाँ पे इनकी चाबी आई थिंक इस साइड लगती है, इस साइड में है इनकी चाबी, यहाँ पे इसको सीट को ओपन कर पाओगे। और यहाँ पे जो अपडेट हुआ है ये वाली स्प्लिट ड्रेवियल, अगर एक बार मैं ओपन कर देता हूँ, ये आप देखोगे पहले क्या था, ये वाली नेट अंदर से थी, अभी इसको ऊपर से किया गया तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको काफ़ी वाइड आपको मिल जाएगा। और यहाँ का जो ये वाला एरिया है ये भी चेंज हो चुकी है, और हीरो का आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टिकर कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ और यहाँ पे आप देखोगे, ये भी आपको कार्बन फाइबर टच आपको दिया गया है, एक रियल वाली फिनिश आती है, ये भी आप देख पाओगे। और ये फुटरेस्ट के लिए यहाँ से, ये भी इसका साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, 5 गियर स्पीड के साथ आपको ये बाइक आपको ऑफर की गई है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से हो गई। अब बात करते हैं पीछे, तो आप पीछे से नोटिस करोगे ये आपको पूरा DL चेंज हो चुका है, जो इसका टेल लाइट आता है, यहाँ पे EH शेप का आपको लाइट देखने को मिल जाएगा। जो हीरो ने काम कर रहे हैं भाई, ये अपना जितनी भी बाइकें हैं इस पर EH शेप वाला लाइट ला रहे हैं, मतलब ला रहे हैं, तो ये इनका एक ब्रांडिंग हो जा रहा है कि पता चल जाएगा दूर से। ये अपना यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, LED लाइट मिल जाती है। ये अपना हजार का बटन पीछे से जलाता हूँ, कुछ इस तरीके से लुक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से मैं पीछे से दिखाऊँ तो सारी चीज़ आपका पीछे का हो गया प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो इनके रियर का टायर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आई थिंक 130mm के आपको टायर मिल जाएंगे, ये रेडियल टायर मिलते हैं, ये देखो भाई 130/70R17 का आपका रेडियल ट्यूबलेस टायर के साथ आपको मिल जाएगा। और ये अपना डिस्क ब्रेक आपको रियर का मिल जाएगा, डुअल चेन ABS जैसा मैंने बताया। और ये इसका मिल जाएगा भाई एग्जॉस्ट, जो यह मफलर एग्जॉस्ट मफलर आपको देखने मिल जाएगा। ये इनका साउंड में आई थिंक हो सकता है अभी मैं सुना के दिखा दूँ, क्योंकि थोड़ा शोरूम में इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये आप देख पाओगे यहाँ से सारी चीज़ें आपको प्रॉपर आपको फील आएगी, यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर टच आपको दिया गया है। अब बात करते हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया तो इसकी भाई प्राइस क्या होने वाली है। इसकी जो प्राइस है भाई 168,000 ऑन रोड आपको मिल जाएगा, सन हीरो आपको इंदिरा नगर में देखने को मिल जाएगा, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल सामने देखने को मिल जाएगा, लखनऊ से अगर आप आसपास के हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें इसके मेजर अपडेट की, तो इनके जो मेजर अपडेट मैंने बताया कि इनका जो आपको देखोगे डुअल चेन ABS आ गया, ग्राफिक फुल्ली चेंज हो चुकी है, लाइट आपको सेम देखने को मिल रहा होगा, और पीछे का टेल लाइट, सीट, ऐसा चीज़ आपको चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इनका जो पुराना वाला मॉडल था, जैसे ये वाली देखोगे तो 166,000 ऑन रोड में मिलती है सिंगल डिस्क वाली, और ये 168,000 ऑन रोड में मिल रही है डुअल चेन ABS इतनी सारी अपडेट के साथ। तो मेरे हिसाब से आपको यही लेना चाहिए भाई, क्योंकि 2000 लगा के इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो अपग्रेडेशन पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पुराना ओल्ड मॉडल ले रहे हैं, बट आप लोग बताना आप लोग को ये गाड़ी कैसे लगी। ओवरऑल बात करते हैं, एक बार इसका सीट का लुक मैं दिखाता हूँ, तो इस तरीके से जो मेरी हाइट है 5.8 फिट की है, उस हिसाब से देखोगे मेरे पैर अच्छे से पहुँच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उठे हैं एक साइड पर, बट अच्छे से ये हैंडल हो जाएगा। अगर 5.5 फुट के बंदे हो तो भी हैंडल हो जाएगा, बाकी गाड़ी को हैंडल करने का भी एक टेक्निक होता है, 5 फीट के बंदे भी इसको अच्छे से चला सकते हैं। ओवरऑल आप लोग अब बताना कि ये गाड़ी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और भी शानदार सी वीडियो देखेंगे।